बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, आपके एच बी लेवल को बढ़ाने के लिए, और वेट लॉस पे बहुत अच्छा काम करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स, आप इसको कह सकते हैं, आप टी भी कह सकते हैं, सिरप भी कह सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सलमा वजाहत। आज मैं जो हूँ अपने क्लिनिक पे नहीं हूँ, आज मैं अपने किचन में हूँ, और जो है मैं आज आपसे अपनी एक रेमेडी शेयर करूँगी आप लोगों से। कोई आज होम्योपैथिक से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, आज जो है मैं आपसे एक रेमेडी अपनी शेयर करूँगी। एक ऐसा ड्रिंक है जिसे आपको पी के बहुत फ़ायदा होगा और ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए बहुत बहुत आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। चलें आइए इसे बनाते हैं और इससे जो है ना लुत्फंदोज़ होते हैं। इसके ये फ़ायदा है कि ये बच्चे और बड़े दोनों पी सकते हैं, इवन बूढ़े भी ले सकते हैं इसे। और बच्चों में यहाँ तक कि आपके अगर 7-8 महीने का या 9 महीने का बच्चा है, आप आराम से उस बच्चे को भी पिला सकते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद जो है बच्चा अपनी माँ के दूध के अलावा चीज़ें ले सकता है। तो ये है कि ये इतने फ़ायदेमंद है कि आप छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है फ़ायदे आपको बेशुमार है, मैं आपको जो है इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ साथ आपको फ़वाद बताऊंगी। हम यह बात कर रहे हैं उनाब टी से रिलेटेड, यानी उनाब टी के बारे में। उनाब टी भी कह सकते हैं आप इसे, उनाब सिरप का भी नाम दे सकते हैं आप इसे, उनाब शरबत का नाम दे सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा अक्सर उनाब का शरबत पिए तो ये हो जाता है। लेकिन ये कि वो थोड़ा केमिकल होता है, बाहर जो हम लेते हैं वो केमिकल होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव चीज़ें मौजूद होती है जो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकती है। और हम इसमें थोड़ी और चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं जो इसमें जो है आपको मज़ीद फ़ायदा मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा जो है यानी कि बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, एडवांटेज आपकी इतनी बेनिफिशियल है कि आपको मज़ा आ जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, ये इसके जो जायका है वो भी बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। अभी हम बात करते हैं उनाब, ये उनाब जो है आपको किसी भी पंसारी शॉप से आराम से मिल जाएगी। बस आप इसको जो है ना उनाब के नाम से, इसको जुजेबे और फ्रूट भी कहते हैं, जुजेबे फ्रूट भी कहते हैं इसे और उनाब भी कहते हैं। ये ऐसे बेर, सूखे बेर होते हैं, ये इस तरह की शक्ल होती है इसकी, और ये जो है आपको ऐसे रेड कलर के होते हैं, रेड मरून टाइप के होते हैं। अच्छा, रेड भी होते हैं और रेड मरून भी होते हैं। अच्छा, और ये अगर रेड मरून है और रेड है तो उसका मतलब ये फ्रेश है, क्योंकि पंसारी के पास भी बहुत दिनों से रखे हुए होते हैं। तो अभी देखिएगा, अगर ये रेड और रेड मरून टाइप के हैं तो उसका मतलब ये फ्रेश, लेकिन अगर ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं और थोड़े से पिचके से हो जाते हैं तो इसमें इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, तो उसको मत लीजिएगा आप, थोड़ा सा फ्रेश इस तरह से लेंगे। दूसरा ये कि इसमें जो है आप जो यूज़ करेंगे, क्या कहते हैं, हाँ ये सौंफ आपके यूज़ होगा। अच्छा, हम पहले सौंफ है, इसमें कार्डमम हम यूज़ करेंगे, आप कार्डमम दे सकते हैं, ये इलायची, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची है। इसके अलावा लौंग भी इसमें ऐड होंगे। अच्छा, लेमन जो है वो ऑप्शनल है। अच्छा, मैं इसके फ़वाद आपको बता दूँ, जुजुबे जो फ्रूट है उनाब के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि आप को यानी कि एक तरह से ये मल्टी न्यूट्रिएंट्स है, मल्टी न्यूट्रिएंट्स इसमें आप मौजूद है, यानी इसमें आपको एंटी कैंसेरियस इसमें है, एंटी एजिंग है, एंटी ऑक्सीडेंट है, कैंसर में बहुत अच्छा वर्क करती है, एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, एंटी ऑक्सीडेंट है आपको, या आपकी जो और डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है इससे, यानी कि जो भी टॉक्सिक आपके बॉडी में मौजूद है उसको प्योरीफाई करता है, ब्लड प्योरीफायर है, वेट लॉस में बहुत अच्छा वर्क करता है। आप वेट के लिए, अगर आपने अपना वेट लॉस करना हो, जैसे ग्रीन टी वगैरह पीते हैं, इसी तरह आप ये भी पी सकते हैं इसकी टी बना के, और यानी कि ये बेली फैट और कैलरीज को भी जो है ना गिराता है, रिमूव करता है, यानी कि उसमें जो है मदद देता है कैलरीज को घटाने में, बेली फैट को घटाने में। और ये नर्वस, जिसके नर्वस सिस्टम थोड़ा से अप डाउन हुए हैं तो नर्वस सिस्टम को काम करता है, बहुत सुकून पहुंचाता है, यानी कि इतना ठंडा होता है ये इम्प्रूव, और ब्लड सर्कुलेशन आपकी इम्प्रूव करेगी। तो जाहिर बात है जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपका नर्वस भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, आपका ब्रेन अच्छा वर्क करेगा, आपकी बॉडी अच्छी वर्क करेगी। जाहिर है आपका ब्लड जो है आपका सारा सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है आपने ये इंसोम्निया, जिसको इंसोम्निया या नींद की कमी का शिकार है, जो लोग नींद की कमी में भी बहुत बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है ये, और यानी कि अगर रात में आप लेना चाहें तो रात में इंसोम्निया के बहुत अच्छा काम करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, एनजाइटी ख़त्म करता है, जिनको एनजाइटी की बहुत ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि जाहिर बात है आपके सर्कुलेशन को सही करता है तो आपके माइंड रिफ्रेश होता है, काम करता है, तो एनजाइटी आपको होगी नहीं।
और सबसे बेहतरीन इट हैज़ वाइटामिन सी, इट हैज़ वाइटामिन सी, तो ज़ाहिर है तो ये आपके फेशियल लाफ लाइन को जो है वो रिमूव करता है, और एक्जिमा हो गया, एक्सकार्स हो गया, एक्नी हो गया, स्किन के जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें ये बहुत ज़बरदस्त, ईचिंग हो रही है आपको, रैचेज हो रहे हैं आपको, ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगा। इसके अलावा जो है, इसके अलावा आपको लौंग की अफादियत, आपको सब पता है कि लौंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त, एक इसमें हम लौंग भी ऐड करेंगे, लौंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी एनर्जेसिक है, और एंटी इन्फ्लामेशन है, आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी है, उसको रिमूव करेगा। इसके साथ साथ जो है ये इसका भी अपना एक वर्क है, ये आपके इसको रिमूव, जो भी आपकी बॉडी में जो है फंगस है, सेप्टिक है, बैक्टीरिया है, सारी बातें, इन सबको ये कवर करता है लौंग। आपको लौंग की वैसी इतनी अफादियत पता है कि लौंग जो है हमारी लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो हम इसमें लौंग का भी इस्तेमाल करेंगे। दूसरा फेनल सीड्स, फेनल सीड्स आपको पता है, सौंफ भी बहुत बेहतरीन खाने के लिए, यानी कि बहुत ज़बरदस्त है, आपको पता है ये हाजमे के लिए इतना ज़बरदस्त है कि अगर आपको मोशन की शिकायत हो, किसी चीज़ की हो, तो ये इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। बच्चों को उल्टियाँ हो रही हैं उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट, ब्लड प्रेशर में बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है, रेगुलेट करता है, रिड्यूस वाटर रिटेंशन, जिनकी बॉडी फ्लफ़ी होती है, फ्लफ़ी होती है बहुत ज़्यादा, उसमें वाटर ज़्यादा हो जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाती है, उसमें ये सौंफ जो है बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है, और कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छा क्योर करता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है ये, इसकी जो है ना पानी बना के पीते हैं, सौंफ का पानी बना के पिया जाता है इन डाइजेशन के लिए, जिसको बदहजमी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, उसमें बहुत अच्छा ज़बरदस्त वर्क करता है ये, और ब्लॉटिंग हो रही हो पेट में, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक का इशू हो, ब्लॉटिंग हो, अफारा सा हो पेट में, उसके लिए है, एस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, और ये ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए भी, यानी कि ब्लड प्योरीफाई करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और एक्ने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये, यानी कि ऑल ओवर एक मल्टी न्यूट्रिएंट्स चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त शरबत बनेगा ये, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। और ये आ गए हम ग्रीन जो कार्डमम है, यानी कि जो जिसे हम कहते हैं कि सब्स इलायची, छोटी इलायची भी कहते हैं, सब्ज इलायची भी कहते हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त वर्क है। इसका ये है कि ये वेट लॉस में भी काम आते हैं, और जो आपके हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है, जिसको हार्ट का इशू है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है, आपके जो है ना बैली फैट को भी जो है बर्न करता है, और बोन्स और जॉइंट्स के लिए इतना ज़बरदस्त है ये इलायची बोन, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये माउथ फ्रेशनर भी है, ठीक है ना, माउथ फ्रेशनर का काम करता है, और पेन में बहुत ज़बरदस्त वर्क है, जिसको जहाँ जॉइंट्स पेन है, बोन्स पेन है, उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। और बाकी तो आप लोगों को सब पता है कि क्या चीज़ जो है इसमें वर्क करता है, क्या नहीं करता, आप जो है बहुत अच्छे से समझते हैं, और काफ़ी लोग जानते भी हैं इस बारे में, लेकिन जो जो नहीं जानता तो उनको मैंने काफ़ी चीज़ों के बारे में बता दिए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़, क्योंकि अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, तो इसमें थोड़ी सी एक गर्म चीज़ जो हम जैसे ये इलायची ये दालचीनी है, जिसे हम सिनेमन स्टिक भी कहते हैं, ये दालचीनी है, जो कि आपके लिए बहुत मुफीद है, बहुत ज़बरदस्त है, इसके भी बहुत ज़बरदस्त, हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है ये, आपको पता है ये फैट भी रिड्यूस कर, यानी कि घटाता है, फैट भी ख़त्म करता है, उसकी बर्न करता है, चर्बी जिस्म की वो करता है, और इसके अलावा ये और भी बहुत सारी चीज़ों में वर्क करता है, और बोन्स के लिए भी अच्छा है, जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है, ये भी बहुत, यानी कि सारे अफादियत इन सब चीज़ों में मौजूद हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ये हर तरह के लोग ले सकते हैं, ये डायबिटिक के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए, किडनी इश्यूज़ हो गया, ये ब्लैडर का कोई मसला है, लिवर का कोई इशू है, उन सब के पेशेंट ये आराम से ले सकते हैं, और मैंने जैसे बताया बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, ये एक तरह से आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है, और ब्लड की कमी हो उसको भी ये बिल्कुल अच्छा करता है, और बच्चे अगर बच्चे को इसलिए देते हैं कि बच्चे की जो है इसमें से अच्छी ताकत बनती है, जान बनती है। अच्छा, बच्चे के लिए हम ये कहेंगे कि सिर्फ जो है आप उनाप, सौंफ और इलायची यूज़ करते हैं, अगर इलायची ना यूज़ करें तो उनाप, सौंफ का पानी आप चीनी के साथ यूज़ कर सकते हैं, चीनी ले लें या गुड़ ले लें, आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनाप,
सौंफ, उनाब और सौंफ, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है आपके लिए वीडियो बनाऊंगी तो बच्चों के लिए भी ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये कि बहुत बेहतरीन है, आप दे सकते हैं आराम। ये उनाब जो है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अब ये फ़िलहाल बच्चों बड़ों के लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ, बच्चों का इंशाल्लाह मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में अपने ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, इसमें आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप लेमन ऐड करना चाहें लेमन ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करें। इसके अलावा हनी भी आप करना चाहते करें, नहीं करना चाहते आप ऐसी पीना चाहते हो ऐसी पी लें, आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, अपना वेट के लिए कर रहे हैं, कोई डाइट करें, तो आप चीनी मत यूज़ करें और ऐसी भी पी सकते हैं, क्योंकि इसका भी अपना जायका होता है, इसमें भी थोड़ी सी मिठास होती है जो आपके बॉडी में चली जाती है। दालचीनी का अपना जायका होता है, वो भी इसमें ऐड हो जाता है। अच्छा, ये कि मैं बच्चों के लिए मैं ये कहूँगी कि बच्चों को अगर आपने यूज़ करवाना है तो सिर्फ उनाब और सौंफ और चीनी या शहद आप दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। और अगर सीने में कोई कंजेशन वगैरह है तो आप क्लॉव, यानी कि बच्चे को अगर सीने में कंजेशन वगैरह है तो आप क्लॉव डाल के ऐड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ये साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन अभी ये फ़िलहाल मैं बड़ों के लिए बता रही हूँ आपको। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने लिए हैं 8 से 10 दाने जो हैं हमने उनाब लिए हैं, 8 से 10 दाने हम उनाब लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है 1 से 1.5 गिलास पानी, सही है, 1.5 गिलास पानी लेने ज़्यादा बेहतर है। और इस पे जो है मैंने ऐड कर लिए ये उनाब, ठीक है, ये उनाब मैंने ऐड कर दिया। मैंने पानी पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बॉईल करने रखूँगी, थोड़ा सा पानी इसका एक्सट्रैक्ट हो जाए, पानी इसमें चला जाए, यानी कि मिल जाए थोड़े से, यानी कि जो उनाब के जो एक्सट्रैक्ट है वो पानी के साथ शामिल हो जाए, फिर इसके बाद बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ये देख रहे हैं आप, इसके ना कलर जो है चेंज हो रहा है, पिंक होता जा रहा है इसका कलर, या इसका और अच्छा कलर उसका उभरेगा, ये एक्सट्रैक्ट है ना इसके उस पर शामिल होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हम एक हम इसमें दालचीनी डाल देंगे, ठीक है। दालचीनी के बाद जो है हम इसमें 3 से 4 दाने लौंग, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दाने लौंग डालेंगे, ठीक है। ये डालने के बाद हमने इसमें 2 दाने कार्डमम डाल दिए, ठीक है, इलायची छोटी 2 दाने डाल दिए हैं, 1 टीस्पून, ठीक है, 1 चाय का चम्मच भर के जो है हम इसमें सौंफ डाल देंगे। ये देखिए, ये कर देंगे हम अब इसके साथ, ठीक है। अब ये जो है ना बॉईल हो रहा है, ये जब पूरी चीज़ें इसकी सारी इसके साथ शामिल हो जाएंगी पानी के साथ, ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बस शामिल करना है, एक्सट्रैक्ट निकालना है इसका। जब ये एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा फिर इसके बाद जो है हम इसे पानी में हम ग्लास में भर देंगे, फिर उसके बाद जो है हम लेमन और हनी ऐड करेंगे। फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें मैंने 8 से 10 दाने उनाब लिए हैं, फिर थोड़ी देर के लिए बॉयल वाटर में डाले हैं हमने, बॉयल वाटर में 1 से 1.5 गिलास बॉयल वाटर में हमने उनाब 8 से 10 दाने ऐड किए हैं, थोड़ा सा उसका कलर हमने चेंज होने तक थोड़ा पकाया है, फिर उसके बाद जो है हमने इसमें बाकी जो है हमने दालचीनी 1 इंच दालचीनी 1 टीस्पून जो है भर के हमने इसमें सौंफ ऐड किया है, 2 हमने इलायची ऐड की है और 3 से 4 दाने हमने इसमें लौंग ऐड किए हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। देखें आहिस्ता इसका कलर इसका इतना खूबसूरत होता जा रहा है, ये पिंक कलर में जो है ना चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो थोड़ा सा बस हम चाह रहे हैं कि ये 1 गिलास के बराबर रह जाए और ये तकरीबन तैयार है, ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, बस इसको इतना सही रखना है कि थोड़ा सा हमें इसकी जो अफादियत है वो मेन अफादियत हमें मिल जाए। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं ये अब जो है तैयार हो गया है हमारे जो शरबत है उनाब का शरबत कह दें, सिरप कह लें, या फिर आप इसे टी कह लें, आप चाहें तो टी बना के भी पी सकते हैं, 1 कप के हिसाब से आप बना सकते हैं, 1 गिलास के हिसाब से बना सकते हैं। अब इसमें जो है मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे लेमन अच्छा लगता है, तो मुझे थोड़ा सा ये लेमन जब डलेगा ना तो इसमें जो है ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें बहुत ही कम ड्रॉप जो है ना लेमन ऐड किया है, ठीक है, ये देखें इसका कलर जो है लाइट हो गया लेमन ऐड, क्योंकि लेमन जो है वो थोड़ा सा कलर काटता है, तो इसका कलर जो है थोड़ा सा वो हो गया है। फिर इसमें मुझे वेट की कोई इतनी इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट काफ़ी लूज़ हो चुका है। इसमें जो है मैं
ये मैंने थोड़े से जो है 1 टीस्पून के बराबर जो है मैंने इसमें शहद ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो ये हमारा जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है सिरप तैयार हो चुका है। ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पिए इसे, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें इससे आपको मिलेंगी, आपके जो है बॉडी जो है आपकी फ़िट रहेगी, एक्टिव रहेगी, क्योंकि जाहिर बात है ये ऑल ओवर जो है आपकी चीज़ हर चीज़ को जो है आपके आपके हर ऑर्गन्स को जो है मेंटेन करके रखेगा। तो आप ज़रूर पिए। अच्छा, इसमें ये कोई वो नहीं है कि आपने गरम पीना है, बहुत ज़्यादा गरम पीना है, या गरम पीना है, नीम गरम पीना है, या ठंडा पीना है, आपको जैसे दिल चाहे आप पिए। आप चाहें उसे ठंडा करके भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है आप बना के आप सुबह बना लें और पूरा दिन आप ये पी सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इसको दिन में 3 दफ़ा पी सकते हैं, चाहें तो आप सुबह नाश्ते के बाद पी लें, चाहें तो रात को सोते वक्त पी लें। आप यानी कि आप अकॉर्डिंग टू अपने जो है ना उसके आप मेंटेन कर सकते हैं, हर चीज़ पी सकते हैं। आप बस अपनी जो है सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखें। अभी मुझे इजाज़त दें, ठीक है। आपको और इससे रिलेटेड जो है आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपको सारी जो है मेरी जो कॉन्टैक्ट हैं, मेरे कॉन्टैक्ट हैं, आपको कंसल्ट करना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लिंक आपको बस एक लिंक प्रेस करने की देर है और मुझसे आपकी बात हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, और लाजमी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कहाँ मेरी गलती है, कहाँ नहीं। क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब अपना ज्वाइन किया, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए जो है मेरी जो गलती होगी आप ज़रूर मुझे बता दिया करें, ताकि मैं जो है उसमें और अच्छी जो है अपने बेहतरी ला सकूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।